जिलाधिकारी भानुचंद गोस्वामी ने अवैध रूप से बालू का भंडारण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के आदेश एडीएम सिटी और एसीएम को दिए हैं। जिलाधिकारी भानुचंद गोस्वामी के तेवर खनन माफियाओं को लेकर काफी सख्त है। शासन प्रशासन की सख्ती के बावजूद खनन माफिया अवैध रूप से अन्य राज्यों से बालू लाकर बालू का भंडारण कर रहे हैं। जिलाधिकारी भानुचंद गोस्वामी के निर्देश पर बालू का भंडारण करने वालों पर छापे मारे जा रहे हैं। कई खनन माफियों के खिलाफ संबंधित थाने में मुकदमे भी दर्ज हैं। एडीएम सिटी अनूप कुमार ने सभी एसीएम और एसडीएम को निर्देश दिए हैं कि अवैध रूप से बालू भंडारण करने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाए। देखिए, इसके संबंध में भी जिलाधिकारी महोदय द्वारा अभी कुछ दिन पहले स्टाफ मीटिंग हुई थी, उस पर स्पष्ट निर्देश सभी एसडीएम्स को दिया गया है कि जहां पे भी भंडारण है, और सभी एसडीएम को सूची भी उपलब्ध करा दी गई है कि किन किन लोगों ने और कहां कहां अनुमति ले रखा है भंडारण का। इसके अतिरिक्त अगर कहीं पाया जाता है तो उस पर जो भी खनन का और भंडारण का जो भी विधि संगत कार्रवाई है वो उस पर संस्तुत किया जाए। तो कई बार देखा जाता है कि जैसे एफआईआर नहीं होती है या जब्ती कराई। नहीं, आप पिछले कुछ समय से हम लोगों ने बहुत एफआईआर कराया था और एग्जैक्ट डेटा तो इस समय हमारे पास मौजूद नहीं है, लेकिन एफआईआर जो भी ऐसा मिल जाता है और जो एफआईआर के दायरे में है उस पर जरूर कराया जाता है। समय समय पर जिला प्रशासन खनन माफियों के खिलाफ कार्रवाई करता रहता है, फिर भी खनन माफिया बालू का अवैध कारोबार करने से बाज नहीं आ रहे हैं, जिसको देखते हुए जिलाधिकारी भानुचंद गोस्वामी ने एडीएम सिटी और एसीएम को खनन माफियों से सख्ती से निपटने के निर्देश दिए हैं। सी न्यूज के लिए मनीष जैन की रिपोर्ट।